जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री पद्माराम, माननीय श्री पानाचंद मेघवाल। माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख, चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार या गंभीर मामलों की अनदेखी करने और भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। माननीय सभापति महोदय, मेरा स्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 विशेष उल्लेख के तहत निवेदन करना चाहता हूँ कि कोरोना काल में अफरा तफरी के माहौल का लाभ उठाकर सैनिटाइज, मास्क और आवश्यक उपकरणों की खरीद में जमकर घोटाले किए गए। कोटा शहर के जेके लोन अस्पताल में मार्च से सितंबर 2020 के बीच 20 लाख रुपए की पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर और बॉडी कवर आदि सामग्री खरीद की गई, जबकि सरकारी सप्लाई में ये सभी आइटम सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इस खरीद के लिए ड्रग वेयर हाउस से ना एनओसी ली गई। अध्यक्ष महोदय, चौंकाने वाली बात यह है कि जेके लोन अस्पताल में कोई कोविड सेंटर स्थापित भी नहीं किया गया था। इतनी बड़ी संख्या में आइटमों की खरीद क्यों की गई? मेडिकल कॉलेज कोटा के एक पूर्व चिकित्सक पर, जिसके खिलाफ एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया तथा मुकदमा दर्ज होने के कुछ दिन बाद ही उसे बूंदी जिले का सीएमएचओ बना दिया गया। अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले का सीएमएचओ, जिसके खिलाफ एक दर्जन से अधिक शिकायतें विचाराधीन है, कई चिकित्सकों और कर्मचारियों ने इस अधिकारी को हटाने के लिए सरकार को पत्र भेजा। इस सीएमएचओ को हटाने के लिए आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे महिला उत्पीड़न का मामला हो या कर्मचारियों से अवैध वसूली का या टेंडरों में गड़बड़ी का। शिकायतों के प्रमाण होने के बाद भी सरकार ने अभी तक इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इस अधिकारी को कौन संरक्षण दे रहा है? सरकार के लिए ये भ्रष्ट सीएमएचओ आज इतना बड़ा हो गया है कि उसके खिलाफ सरकार जनभावनाओं की अनदेखी कर रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि, वो मंत्री मोदी से अनुरोध है कि भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जय हिंद। माननीय श्री वासुदेव देवनानी जी। माननीय सभापति महोदय,